कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश में भी वैक्सीन तैयार की जा रही है ताकि देश के लोगों को इस भयावह बीमारी से बचाया जा सके। इस वैक्सीन की खास बात ये है कि आप इसे इंजेक्शन के जरिए अपने शरीर में नहीं लगाएंगे, ना ही इसे पोलियो ड्रॉप की तरह पीना होगा। इसे किसी और तरीके से आपके शरीर के अंदर पहुँचाया जाएगा। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कोरोफ्लू नाम की वैक्सीन विकसित कर रहा है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाई जा रही ये वैक्सीन शरीर में सीरिंज से नहीं डाली जाएगी। इस वैक्सीन की एक बूंद को पीड़ित इंसान की नाक में डाला जाएगा। इस वैक्सीन का पूरा नाम है कोरोफ्लू वन ड्रॉप कोविड-19 नेजल वैक्सीन। कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इससे पहले भी फ्लू के लिए बनाई गई दवाइयां सुरक्षित थी। भारत बायोटेक ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और फ्लूजन कंपनी के साथ समझौता किया है। इन तीनों के वैज्ञानिक मिलकर इस वैक्सीन को विकसित कर रहे हैं। जब ये दवा शरीर के अंदर जाती है तो वो तत्काल शरीर में फ्लू के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। इस बार योशिहिरो कावाओवा ने M2SR दवा के अंदर कोरोना वायरस कोविड-19 का जीन सीक्वेंस मिला दिया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।